मॉर्निंग एवरीवन. सो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू रीड स्टोरी इन इंग्लिश सब्जेक्ट. ओके, सो प्लीज एवरीवन ओपन योर बुक सॉन्ग्स राइम्स एंड स्टोरीज एंड पेज नंबर 6060. ओके, ये आपको आज हम स्टोरी सुना रहे हैं और ये आपको आपकी बुक में सॉन्ग्स राइम्स एंड स्टोरीज वाली बुक में पेज नंबर 606 में दिया हुआ है. एंड थीम 6. ओके, एंड स्टोरी नेम इज फ्लाइज एंड मॉस्किटोस. फ्लाइज मींस क्या होता है? मक्खी. एंड मॉस्किटोस मींस मच्छर. तो आज हम किसकी स्टोरी सुनाएंगे आपको? मॉस्किटो एंड फ्लाइज की. ओके, दिस इज अ मॉस्किटो एंड दिस फ्लाइज. ओके, सो लिसन टू मी केयरफुली बच्चों. ये हम स्टोरी स्टार्ट कर रहे हैं. ओके, और हम आपको ये बुक से स्टोरी सुना रहे हैं. आप इसे स्टोरी को ध्यान से सुनेंगे और हमें फिर आपको सुनाना है. चलिए स्टार्ट. अ मॉस्किटो लिव्ड विद हिज फैमिली इन अ डर्टी स्विमिंग पूल. एक मॉस्किटो अपनी फैमिली के साथ एक डर्टी स्विमिंग पूल में रहता था. नियर बाय देयर वॉज अ गार्बेज डंप. और वहीं पास में एक गार्बेज डंप था. अ फ्लाई लिव्ड देयर विद हर फैमिली. और वहां पर एक मक्खी अपनी फैमिली के साथ रहती थी. समझ में आया सभी को कि एक मॉस्किटो मतलब एक मच्छर अपनी फैमिली के साथ एक डर्टी स्विमिंग पूल में रहता था और वहीं पास में एक गार्बेज डंप था और उस गार्बेज डंप में एक मक्खी अपनी फैमिली के साथ रहती थी. वन डे द मॉस्किटोस फैमिली वेंट टू मीट द फ्लाइज फैमिली. एक दिन मॉस्किटो की फैमिली मक्खी की फैमिली से मिलने गई. मींस व्हाइल समवन क्लीन्ड द स्विमिंग पूल. इस बीच किसी ने स्विमिंग पूल को साफ कर दिया और साफ करके उसमें उन्होंने क्या किया? एंड फिल्ड इट विद क्लीन वाटर. उन्होंने उसमें साफ पानी भर दिया. व्हेन दे गोट बैक टू द स्विमिंग पूल. जब वे स्विमिंग पूल में वापस आए दे गोट अपसेट. तो वे परेशान हो गए यह सब देख करके. वन लेडी मॉस्किटो स्टार्टेड क्राइंग. और ऐसा इसे देख करके एक लेडी मॉस्किटो ने रोना स्टार्ट कर दिया. वेयर विल आई ले माई एग नाउ. अब मैं अपने अंडे कहाँ रखूंगी या कहाँ रखूंगा? जस्ट देन सम बॉयज केम टू स्विम इन द पूल. तभी कुछ लड़के पूल में तैरने के लिए आए. दे सा द गार्बेज डंप एंड सैड. उन्होंने कचरे के ढेर को देखा. वी शुड क्लीन इट अप अदरवाइज इट विल अट्रैक्ट फ्लाइज एंड मॉस्किटोस एंड दे विल स्प्रेड डिसीज. इसे हम उन्होंने क्या सोचा कि अब हम इसे साफ कर देंगे नहीं तो लोग अन्यथा इसे आकर्षित करेगा मक्खियों और मच्छरों को और वे मक्खी और मच्छर यहाँ पर क्या फैलाएंगे? बीमारियां फैलाएंगे. इमीडिएटली दे क्लीन इट अप एंड स्प्रेड ब्लीचिंग पाउडर ऑन द ग्राउंड. और तुरंत उन्होंने इसे साफ किया और उन्होंने जमीन पर ब्लीचिंग पाउडर डाला, फैलाया उन्होंने. व्हेन दे फ्लाई सा द लेडी मॉस्किटो क्राइंग. जब मक्खी ने महिला मच्छर को रोते हुए देखा तो मक्खी ने क्या देखा? महिला मच्छर को मतलब लेडी मच्छर को जब रोते हुए देखा. सी स्टार्टेड टू टेल हर ऑन सॉब स्टोरी. सी सेड द गार्बेज डंप इस अ क्लीन प्लेस नाउ. तो उन्होंने क्या कहा कि अब इस जगह को हम साफ कर देते हैं. और उन्होंने ये सब देखा और बोला कि अब ये जगह साफ हो गई है, साफ है. वेयर विल गो वी गो. वेयर विल वी गो. अब हम कहाँ जाएंगे? टुडे आई विजिट मेनी होम्स. आज मैंने कई घरों का दौरा किया है. एवरी वन हैड केप्ट देयर फूड कवर्ड. सभी ने अपने भोजन को कवर करके रखा हुआ है, ढककर रखा हुआ था.
आई कुड नॉट इवन फाइंड एनी अनकट और अनकवर्ड फूड, कोई भी अपने भोजन को या फल को बिना ढके नहीं रखा था, मुझे किसी का भी भोजन ढका बिना ढका हुआ नहीं मिला। देयर वॉज नथिंग टू ईट, और खाने के लिए कुछ भी नहीं था। दिस वे वी विल ऑल डाई ऑफ हंगर, इस तरह हम सब भूखे मरेंगे। लेडी मॉस्क्यूटो सैड, लेडी मॉस्क्यूटो ने कहा, वी कैन नॉट लिव हियर एनी मोर, अब हम यहाँ नहीं रह सकते। द फ्लाई सैड, तब मक्खी ने कहा, यू आर राइट सिस्टर, तुम सही कह रही हो बहन। देयर इज नो डर्टी वाटर और गार्बेज हियर एनी मोर, यहाँ कोई भी गंदा पानी या कचरा नहीं है। इट हैज बिकम वेरी क्लीन, यह बहुत ही साफ हो गया है, साफ हो गया। वी विल हैव टू गो समवेयर एल्स, हमें कहीं और जाना होगा। लेडी मॉस्क्यूटो सैड, लेडी मॉस्क्यूटो ने कहा, लेट्स गो टू अ डर्टी प्लेस, चलो एक गंदे स्थान पर चल जाते हैं। वी विल स्टे हियर एंड स्प्रेड डिजीज, हम वहां रहेंगे और बीमारी फैलाएंगे। सेइंग दिस द फैमिलीज ऑफ द मॉस्किटो एंड फ्लाई वेंट लुकिंग फॉर अ न्यू डर्टी प्लेस, इस तरह यह कहते हुए मच्छर और मक्खी के परिवार एक गंदे स्थान की ओर तलाश में चले गए। कुछ समझ में आया आप लोगों को? ये जो स्टोरी है फ्लाइज और मॉस्किटो की है। बच्चों आप लोग सभी जानते हैं कि जो मच्छर और जो मक्खी है वो हमेशा गंदे स्थान में ही रहते हैं, ओके। और इसलिए हमें अपने चारों ओर गंदा करके नहीं रखना चाहिए, एकदम नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। जो गार्बेज जो डंप रहता है वो हमारे घर से बहुत दूर होना चाहिए, और जो आसपास जो अपना जो प्लेस है वो भी कैसा होना चाहिए, एकदम क्लीन होना चाहिए, ताकि कोई भी मच्छर और मक्खी वहां पर ना बैठ सके और ना ही वो किसी प्रकार की बीमारी फैला सके। तो ये आज की स्टोरी का मतलब यही है कि ये जो फ्लाइज और मॉस्किटो हैं वो क्या करते हैं, बहुत ही गंदी जगह में, तो डर्टी प्लेस में ही हमेशा रहते हैं, ओके। तो इसको एक बार फिर से समझ लीजिए, एक मॉस्किटो था वो क्या करता था, वो एक डर्टी स्विमिंग पूल में अपनी फैमिली के साथ रहता था, और वहीं पास में एक गार्बेज डंप था, और उस गार्बेज डंप में एक फ्लाई मतलब मक्खी अपने फैमिली के साथ रहती थी। एक दिन जब मॉस्किटो फैमिली मक्खी फैमिली से मिलने गई, तब इसी बीच किसी ने स्विमिंग पूल को साफ कर दिया, और उसे साफ करके वहां पर उन्होंने क्लीन वाटर मतलब साफ पानी भर दिया। जब वे स्विमिंग पूल में वापस आए तब उन्होंने देखा ये सब हो गया, तो वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए, है ना। और एक जो लेडी मॉस्किटो थी उन्होंने ये सब देख करके रोना स्टार्ट कर दिया, और अब मैं अपने अंडे को कहाँ रखूंगा, उसे चिंता होने लगी। तभी कुछ लड़के वहां पर पूल में तैरने आए, और वे उन्होंने कचरे के ढेर को देखा और कहा कि हमें इसे भी अब साफ कर देना चाहिए, नहीं तो जितने भी ये गंदी मक्खियां हैं वो कचरा उन्हें आकर्षित करेगा, और वे फिर मक्खियां और मच्छर दोनों मिलकर के यहाँ पर बीमारियां फैलाएंगे। तुरंत ही उन्होंने इसे साफ कर दिया और जमीन पर ब्लीचिंग पाउडर डाल दिया, फैला दिया। जब मक्खी ने महिला मच्छर को रोते हुए देखा तब उन्होंने उसे कहना स्टार्ट कर दिया कि कचरा डंप अब साफ हो गया है, अब यह जो जगह है वो पूरी साफ है, और अब हम कहाँ जाएंगे। आज मैंने कई घरों का दौरा किया है, सभी ने अपने भोजन को ढककर रखा है, किसी ने भी अपने भोजन को या फल को अनकवर्ड मतलब बिना ढका हुआ किसी ने भी नहीं रखा है ना। तो अब खाने के लिए अब हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, इस तरह अब हम भूखे मर जाएंगे। तब लेडी मॉस्किटो ने कहा कि अब हम यहाँ नहीं रह सकते,
फ्लाइस ने कहा, मक्खी ने कहा कि तुम सही कह रही हो बहन, यहाँ अब हम नहा नहीं रह सकते, यहाँ कोई भी गंदा पानी या कचरा नहीं है और यह बहुत ही साफ हो गया है, अब हमें कहीं और जाना चाहिए। तो लेडी मॉस्किटो ने कहा, मॉस्किटो ने कहा कि चलो एक गंदे स्थान पर जाते हैं और वहां पर हम रहेंगे और बीमारियां भी फैलाएंगे। यह कहते हुए मच्छर और मक्खी के परिवार वाले एक गंदे स्थान की तलाश में चले गए। तो इस प्रकार से जो मक्खी और जो मच्छर होते हैं वो हमेशा डर्टी प्लेस में ही रहते हैं, और हमें इसका हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि डर्टी प्लेस हमारे आसपास कभी भी नहीं होना चाहिए, और हम इस तरह से अपने आसपास क्लीन रख करके हम खुद भी स्वस्थ रह सकते हैं और बीमारी से रहित रह सकते हैं। ओके, अगर हम अपने आसपास चारों ओर क्लीन रखेंगे तो हम भी कैसे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और हमें कोई भी बीमारी नहीं लग पाएगी। ओके बच्चों, तो इस स्टोरी से आपको क्या सीख मिली कि हमें हमेशा अपने चारों ओर हमेशा साफ सफाई रखना चाहिए ताकि कोई भी मॉस्किटो और फ्लाइज यहाँ पर अटैक ना करे और कोई भी डिसीज ना फैलाए। ओके, तो ये जो हमने आपको स्टोरी सुनाई है उस स्टोरी को आप ध्यान से वीडियो के थ्रू समझेंगे और हमें भी लर्न करके सुनाएंगे। ओके, थैंक यू।